यस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी सब, चलो आ गए हैं क्या बताओ मुझे। अपना टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया है। यस, वी हैव स्टार्टेड विद बिल ऑफ एक्सचेंज। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो फटाफट। आई थिंक सब ग्रुप्स में लिंक आ चुकी है, एक बार चेक कर लूँ मैं फिर भी। ओके, चलो आ गए सब, फटाफट फटाफट लाइक करो वीडियो को, लाइक करो अपने अपने दोस्तों के साथ, लिंक शेयर करो ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर सकें। कम ऑन कम ऑन। सब लाइक ठोको रे, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको जल्दी। प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय द प्रॉमिसर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द ड्रॉवर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटे, इट इज ड्रॉन बाय, अभी अपने एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर होगा तो इट इज ड्रॉन बाय द सेलर एंड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट इट इज ड्रॉन बाय द बायर, कि वो प्रॉमिस करेगा ना कि यस आई प्रॉमिस यू टू पे। और ऑर्डर कौन देगा? जो बायर है वो ऑर्डर दे, जो सेलर है वो ऑर्डर देगा कि भाई पैसा दे देना समय पे। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े। यस, वेरी गुड। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मींस किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन बंधन नहीं रख रहे हो आप। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कहा कि इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, तो यहां पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि जो आपका बायर है वो कंडीशन रखता है पेमेंट के लिए कि भाई मैं पे करूंगा बट मैं सिर्फ कैश में ही पे करूंगा, चेक नहीं दूंगा, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो ऐसे किसी प्रकार का कोई भी, मैं पे करूंगा बट तुझे मेरे घर पे ही आना पड़ेगा तभी पे करूंगा, वरना अपन दिल्ली में मिलेंगे ना, दिल्ली में ही पे करूंगा, तो ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट के लिए आप कंडीशन रखते हो तो वो अलाउड नहीं है बेटा। क्लियर? संस्कार, आई होप समझ में आ गया आपको। नहीं, ऐसा नहीं है कि सेलर ड्रॉ नहीं कर सकते कि, बट सेलर क्यों ड्रॉ करेगा वो समझो ना। टेक्निकली देखा जाए तो बनाने के लिए तो कोई भी बना सकता है। प्रैक्टिकली अगर आप टेक्निकली सोच रहे हो कि कौन टाइप करेगा, कौन बनाएगा, यहाँ पर बात है कौन कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली वो रोल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्रॉमिसरी नोट विल बी गिवन बाय हुम? दी बायर, बिकॉज ही इज गोइंग टू प्रॉमिस के आई प्रॉमिस यू टू पे। सिंपल है, समझ में आ रहा है? तो क्योंकि देखो जो सेलर है वो थोड़ी ना प्रॉमिस कर सकता है कि आई प्रॉमिस यू टू पे। प्रॉमिस तो कौन करेगा? बायर करेगा। ऑर्डर कौन देगा? सेलर देगा।
क्लियर है? चलो क्लियर सबको? हाँ जाओ। ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स, ड्यू डेट्स हमें याद रखना है। ड्यू डेट इज ऑलवेज टेन्योर ऑफ बिल प्लस 3 डेज। जितना भी आपका बिल का पीरियड बनेगा, जितने भी पीरियड आपके बिल का बनेगा, उसमें हमें 3 दिन ऐड करने हैं एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। विवेक शर्मा ऑनर ऑफ बिल का मतलब होता है, कल मैंने लिखवाया था ये सब चीज़ें यार, कहाँ थे कल? ऑनर ऑफ बिल मतलब बिल का समय पर भुगतान कर देना, पेमेंट कर देना, ठीक है। ड्यू डेट्स टेनर ऑफ बिल प्लस 3 ग्रेस डेज। अब हमें एक बात इसमें ड्यू डेट्स में समझनी है, क्या ड्यू डेट्स आपके 2 दिनों पर आ सकते हैं? आइदर इट कैन कम ऑन अ पब्लिक हॉलीडे और इट कैन कम ऑन अ डे विच इज सडनली डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे। सडन हॉलीडे जैसे भारत बंद हो दिया, भारत बंद है बोल दिया है ना, तो ऐसा कुछ कोई कारण की वजह से कर्फ्यू लग गया है, जैसे अभी कोविड था सडनली बंद कर दिया गया, तो ऐसे। क्लियर? तो अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे होता है देन ड्यू डेट विल बी प्रिसीडेड डे, ड्यू डेट विल बी प्रिसीडिंग डे। सडन हॉलीडे अगर आता है तो ड्यू डेट विल बी फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे। क्लियर यहां तक? तो सडन हॉलीडे अगर देखो पब्लिक हॉलीडे रहेगा तो 1 दिन पहले करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पब्लिक हॉलीडे पूरी दुनिया को पता है यार, कुछ नया थोड़ी ना बता रहे हैं, सबको पता है 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे रहेगा, 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे रहेगा, 2 अक्टूबर पब्लिक हॉलीडे रहेगा, 14 नवंबर पब्लिक हॉलीडे रहेगा, बराबर है? तो ये सबको पता हो, पता है और आपको भी पता है, तो आपने 1 दिन पहले पैसों का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। बट अगर सडन हॉलीडे आता है, सडन इट इज डिक्लेयर्ड हॉलीडे सडनली, देन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन द नेक्स्ट डे। अचानक किसी दिन उन्होंने बोल दिया कि बैंक्स सारे बंद रहेंगे, आज आज बैंक नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बैंक बंद है तो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे ना सर, तो इसलिए नेक्स्ट डे। या तो भारत बंद बोल दिया कि भाई आज भारत बंद है, आज हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, भारत बंद रहेगा, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बंद है, सडन हॉलीडे, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ सडन हॉलीडे, सो इन दैट केस द ड्यू डेट विल फॉलो ऑन द नेक्स्ट डे, विल फॉलो ऑन द नेक्स्ट डे। क्लियर सबको यहां तक? क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है सबको। ड्यू डेट्स क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज और अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बट काहे कंफ्यूज हो रहे हो? सिंपल सी बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द सेलर एंड प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन बाय द बायर, सिंपल है, खत्म। चलो डन यहां तक।
क्या करेंगे, अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेश न्यू पेज पर जाएंगे, नए पेज पर अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे और पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे बेटे। पेज को दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है, क्यों सर? क्योंकि मैंने कहा है इन दी बुक्स ऑफ, एक तरफ आएगा ड्रॉवर, दूसरी तरफ आएगा ड्रॉवी। रहते दोनों सेलर के पास ही है। यस, ड्यू डेट पे सेलर वो प्रेजेंट करेगा बायर को और बोलेगा देखो ये मैंने ऑर्डर दिया था, आपने एक्सेप्ट किया था, या तो कहे प्रॉमिसरी नोट होगा तो देखो आपने मुझे वादा किया था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। ऐसे रहेंगे दोनों सेलर के पास ही। फाड़ देना है क्या? वाह सोहन वाह, क्या बात कही है सोहन, माय गॉड, इसलिए तो तुम्हारा फैन हूं मैं, ऐसी ऐसी बातें करते हो तुम। ठीक है, प्रिसीडिंग्स, प्रिसीडिंग मतलब बिफोर, पहले। यस यस यस, फाड़ देना है, फाड़ देना है, वेरी गुड सोहन, फाड़ दो। ठीक शाल, शाल वी स्टार्ट, शाल वी स्टार्ट, मेरी चाय भी आ रही है 2 मिनट में, बढ़िया सा मस्त फ्रेश। एट थर्टी, ठीक है, सोचते हैं बेटा इसके ऊपर सौरभ। आ जाओ, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, यस यस, ड्यू डेट तो ड्यू डेट है बेटे सोहन, फिर वो चाहे वो बिल हमारे पास हो, बैंक के पास हो, या किसी के भी पास हो, या एंडोर्सर के पास हो। चलो वेरी गुड, सबने फाड़ दिया है बुक को दो पार्ट में, आ जाओ लेट अस बिगिन। सबसे पहले सेल एंड परचेस की बात अगर करूं, सेल एंड परचेस की अगर मैं बात करूं, क्या फाड़ने की बात कर, ठीक है आ जाओ। सेल एंड परचेज की बात अगर हम करें तो देखो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांजैक्शन होगा देखो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ड्रॉ वो सेल हुआ, ट्रांजैक्शन क्या हुआ, सेल हुआ, तो इसलिए यहाँ पर बुक में एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे इनकी बुक्स में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल, और ये एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। समझ में आ रहा है, सिर्फ नाम अलग अलग दिया है, चीयर्स धीवर, धीर चीयर्स।
ठीक है। सेकंड, अगर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुनना, जब बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो देखो बिल आ रहा है कहाँ से, ड्रॉवी से, ड्रॉवर के पास। बिल जब साइन हुआ, ड्रॉवी ने एक्सेप्टेंस दिया, और वो बिल कहाँ से आ रहा है, ड्रॉवी से ड्रॉवर के पास आ रहा है, ड्रॉवी से ड्रॉवर के पास आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवी, क्लियर। और यहाँ पर ये एंट्री करेगा क्योंकि बिल जा रहा है ना यहाँ से, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेएबल। चाय विद सी ए, वेरी गुड विशाल। डन, यहां तक ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। देखो, बहुत बच्चे होते हैं, सर आप तो बोल रहे हो कि ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है, तो ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को दिया, तो आपने एंट्री कर दी डेबिट व्हाट कम्स इन, और ड्रॉवर की, ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री कर दी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स पेएबल वहाँ पे क्रेडिट कर दिया। बट सर इन फर्स्ट केस ड्रॉवर ने ही तो ये बिल बना कर दिया था ड्रॉवी को, बराबर है ना। तो वो वाली एंट्री नहीं आएगी बेटे। क्यों, ध्यान से समझो, जब ड्रॉवर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और ड्रॉवर ने साइन किया, तब तो वो कहलाया जाएगा ड्राफ्ट। क्या कहलाया जाएगा, ड्राफ्ट, क्योंकि उस पे दोनों पार्टीज का साइन अभी तक आया नहीं है, तो वो ड्राफ्ट है। जब ड्रॉवी उसके ऊपर साइन करेगा, तो वापस आते समय वो बन जाएगा बिल। क्या बन जाएगा वो, बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो, यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर, क्लियर यहाँ तक? तो ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, एंड ड्रॉवी के बुक, ड्रॉवी अगर बिल एक्सेप्ट करता है, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना एक बात है। अगर आप देखेंगे, पहले मान लो मैंने मिस्टर एक्स को गुड्स बेचे, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, ये मेरा डेटर है, डेटर, ये मेरा कौन है, डेटर है। अब जब मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, तो मेरी एंट्री होगी बिल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो मैंने क्या किया, अगर आप देखेंगे, अबे सोहन, जेंडर चेंज नहीं हुआ, नेचर चेंज हुआ, वो नेचर, नेचर चेंज हुआ है उस डॉक्यूमेंट का, जेंडर नहीं, गंदे। ध्यान से सुनेंगे, एक्स अकाउंट, प्लीज प्लीज यहाँ पर ध्यान से दो, वापस वापस बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, पूरा ये कॉन्सेप्ट समझाया नहीं अभी मैंने, समझ लो पूरा ध्यान से पहले। एक्स डेटर है, डेटर, अब देखेंगे अगर आप, तो एक्स यहाँ पर डेबिट हुआ, एक्स यहाँ पर क्रेडिट हुआ, यानी कि आपका डेटर का बैलेंस जीरो हुआ बेटे, डेटर का बैलेंस जीरो हुआ। क्या हुआ, डेटर का बैलेंस जीरो हुआ, एंड नाउ दिस डेटर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ बिल, बाय अ बिल। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने हर डेटर पे एक बिल ड्रॉ किया होगा, तो जो डेटर्स पे बिल ड्रॉ किया होगा उनका नाम डेटर्स की लिस्ट से हटकर बिल ऑफ, बिल रिसीवेबल वाली लिस्ट में चला गया होगा। सेम इज विथ क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, बराबर है। अगर आपका जो क्रेडिटर है यहाँ पर, आपने परचेस डेबिट टू वाई किया है, तो वाई हुआ आपका क्रेडिटर, बराबर है। बट वाई ने आपके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपके लिए क्या बन गया, बिल पेएबल बन गया। क्या बन गया, बिल पेएबल बन गया। तो बिल पेएबल बन गया, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। तो देखो, वाई डेबिट, वाई क्रेडिट चला गया, और वो जो लाइबिलिटी है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दी बिल पेएबल। क्लियर यहाँ तक?
बोलो यहाँ तक क्लियर हो सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये क्रेडिटर्स की लिस्ट में से नाम हटकर कहाँ चला जाएगा? बिल्स पेबल में जाएगा। वैसे ही यहाँ पर डेटर्स की लिस्ट नाम हटकर कहाँ चला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल में चला जाएगा। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? डेटर बैलेंस और क्रेडिटर बैलेंस नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो भी पैसा आना बाकी है मिस्टर एक्स से, दैट इज अगेंस्ट द बिल। तो ड्यू डेट पे बिल्स देखे जाएंगे कि बिल, ये वाला बिल पेंडिंग है, बिल लो, बिल पे नाम देखो और चले जाओ पार्टी के पास पैसा मांगने। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अकाउंटिंग क्लियर हुई क्या, ये बोलो मुझे, क्योंकि ये अकाउंटिंग वाला जोड़ के मैं वापस दूंगा आपको किधर, जब सोल प्रोपरेटर फाइनल अकाउंट हम करेंगे तब मैं वापस ये कॉन्सेप्ट लेकर आने वाला हूँ वहां पर। तो अब ये समझना जरूरी है आपके लिए। क्लियर? ठीक है, ध्यान से सुनो वापस। वंस अगेन, जब मैंने सेल की एंट्री की तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया, यानी कि डेटर टू सेल। जब मैंने उस डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो मैंने एंट्री कर दी बिल रिसीवेबल टू एक्स। क्या एंट्री कर दी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स किया है, मतलब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कर दिया, डेटर्स की लिस्ट में से नाम हटाकर उसको निकाल के कहाँ लेकर गया हूँ मैं, कहाँ रख दिया है मैंने, बिल रिसीवेबल में रख दिया। और सेम अगर परचेस की बात करें तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, यानी कि क्रेडिटर का नाम हटा दिया, क्रेडिटर का अकाउंट निल हो गया है, वहां से हटकर वो कहाँ चला गया, बिल्स पेबल में चला गया। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? अब क्लियर यहाँ तक सबको? डन। बिल रिसीवेबल, अब देखो सिंपल सी बात है ना, बिल रिसीवेबल जो है इसके अगेंस्ट पैसा आने वाला है ड्रॉवर को, इसके अगेंस्ट पैसा आने वाला है, तो ड्रॉवर के लिए ये क्या हुआ, एसेट हुआ। ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिल के बदले उसे पैसा देना है तो ये लाइबिलिटी हुई, है ना। तो ड्रॉवर के बुक्स में देखेंगे तो बिल को हमने डेबिट किया है, और ड्रॉवी के बुक्स में अगर आप देखेंगे तो बिल को हमने क्रेडिट किया है। सिंपल सिंपल, क्योंकि ड्रॉवर के बुक्स में बिल एसेट है, उसको डेबिट किया गया है, ड्रॉवर के लिए, ड्रॉवी के लिए वो लाइबिलिटी है, इसलिए उसके बुक्स में क्रेडिट किया गया है। एज सिंपल एज दैट। हितांशी शर्मा, समझ में आया क्या बेटे? डन 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 डन। यस नाउ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिल, देखो मैंने ऋषभ के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, अब मेरे पास 3 महीने का समय है, इस 3 महीने के पीरियड में, यानी कि इस टेन्योर में, मैं बिल के साथ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं बिल के साथ क्या कर सकता हूँ, ये ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिल, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बिल, नंबर वन ए, व्हाट यू कैन डू इज रिटेन द बिल। रिटेन द बिल का मतलब क्या? रिटेन करना मतलब आपके पास बिल आया है, ड्रॉवी ने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, बिल आपके पास आ गया, बिल उठाकर आपने ड्रॉवी वाला में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है बेटा आपको? सिंपल सी बात है, यहाँ पे ड्रॉवर को क्रेडिट किया था, अब डेबिट करके बिल पेएबल कर दिया, क्रेडिट कर दिया, खत्म ना। ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, ये एसेट था, एसेट को डेबिट कर दिया, खत्म। काहे कंफ्यूज हो रहे हो? बड़ा ही सिंपल सा है। रिटेन द बिल, बिल रिटेन करना है सर, बिल रिटेन करेंगे तो, अब सर बिल रिटेन करना है तो एंट्री आएगी, नो एंट्री सर, ऐसे ऐसे कैसे सर? अरे यार रिटेन द बिल का मतलब क्या होता है? रिटेन द बिल का मतलब क्या होता है? बिल रिटेन करना, बिल रिटेन करना मतलब क्या होता है? रिटेन करना मतलब बिल को अपने पास संभाल कर रखना ड्यू डेट तक। तो आपने, आप ड्रॉवी लेकर आ गया, ड्रॉवी ने टेबल पर बिल रख दिया, तो मैंने उसको निकाल कर अपने ड्रॉवर में रख दिया, तो क्या मैं एंट्री करूँ? टेबल कबड कबड में अगर मैंने रख दिया तो मैं एंट्री अगर ऐसे करूँगा, कबड अकाउंट डेबिट टू टेबल, चलेगा नहीं ना, उसकी थोड़ी ना कोई एंट्री आएगी, वो बिल था मेरे पास, मेरे पास ही मैंने निकाल कर रख दिया।
अपने पास रखना, वेरी गुड। इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, आपका नाम क्या है वैसे? लास्ट पेमेंट डेट तक रखना, वेरी गुड, रिटेन द बिल। फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास, डिस्काउंटिंग द बिल। डिस्काउंटिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल। देखो डिस्काउंटिंग द बिल, कल मैंने आपको एग्जाम दिया था, अच्छा मुस्कान, तो वृत्रा या आरित्रा कोई तो था ना, वेरी गुड संस्कार। डिस्काउंटिंग द बिल, अब डिस्काउंटिंग द बिल का मतलब क्या, डिस्काउंटिंग द बिल का मतलब क्या, डिस्काउंटिंग का मतलब है, मैंने कल आपको बताया था, अर्जेंसी, अब मुझे पैसों की ज़रूरत है तुरंत, बराबर है ना। तो अब मैं ड्रॉवी से मांगने के बजाय, यानी अपने ऋषभ से मांगने के बजाय, मैं जाता हूँ बैंक में, बैंक वाले को बोलूँगा, बैंक वाले भैया मुझे पैसे चाहिए बिल के अगेंस्ट। तो बैंक वाले भैया बोलते, ये लो पैसे ले लो। मैंने कहा ठीक है दे दो, ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट। बट बैंक वाले भैया ने पूरा पैसा दिया क्या? नहीं सर, बैंक वाले भैया ने कुछ पैसा काटा है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल गया, बिल गया बैंक के पास, बैंक को हमने बिल दे दिया, तो टू बिल रिसीवेबल सर, टू बिल रिसीवेबल, हितांशी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, आप दिमाग में एक्स्ट्रा बातें मत लो, कन्फ्यूजन बढ़ेगा बेटे, सुनो मेरी बात, जितना मैं कर रहा हूँ, जितना मैं लिखवा रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही सुनो। वेरी गुड सिद्धार्थ, लूसीफेरो, लूसीफेरो कौन है, प्रेजेंट क्यों बोल रहा भाई, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवी नो एंट्री, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। अब देखो बिल किसके पास है, बैंक के पास, हम सिर्फ रखेंगे, पैसा नहीं आने वाला है, तो इसलिए सिंपल यहां पर एंट्री करूंगा बी एस एफ सी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव, बिल गया ना फिर से, बिल गया ना फिर से, बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल गया। अच्छा तू वृत्रा, वृत्रा वृत्रा, ठीक है वृत्रा, ओके वृत्रा, ठीक है डन, यहां तक डन। बी एस एफ सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, डी एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट की बात करें तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। देखो तीनों केस में बिल जा रहा है, तीनों केस में बिल जा रहा है, तो तीनों केस में अगर आप देखेंगे तो हमने तीनों केस में बिल को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्लियर यहां तक? यस वेरी गुड, इंडियन एजुकेशन, एसेट गई तो इसलिए क्रेडिट हुआ, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ना बेटे, बिल गया ना, बिल दिया ना, जैसे कैश जाएगा तो कैश को आप क्रेडिट करोगे, कैश आएगा तो डेबिट करोगे, वैसे ही बिल गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट। यहां पर आएंगे, यहां पर ड्रॉवी के बुक्स की अगर हम बात करें तो चारों केस में, चारों केस में नो एंट्री, सुरेश से कैसे नो एंट्री, चारों केस में नो एंट्री, सुरेश से कैसे नो एंट्री ड्रॉवी के बुक्स, ध्यान से सुनो मेरी बात। ड्रॉवी को हमने पूछा, भाई ड्रॉवी हमने बिल रिटेन किया हुआ है, आप आपके बुक्स में एंट्री कर लो। ड्रॉवी ने पूछा तुम एंट्री कर रहे हो रिटेन की, मैंने कहा नहीं, तो मैं क्यों करूं,
रिटर्न की एंट्री तुम भी नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अफेक्ट कर ही नहीं रहा। ओके, मैंने ड्रॉवी से कहा, ड्रॉवी मैंने अपना बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से, मैंने अपना बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से। बोले ठीक है, तो बोले तो फिर आपकी भी बुक्स में एंट्री कर लो। बोले मेरे बुक्स में एंट्री क्यों करो? टेन्योर खत्म होने के बाद, देखो बात समझने की कोशिश करो, ड्रॉवी का रोल कब आएगा? अब जब टेन्योर खत्म होगा तब कोई पार्टी ड्रॉवी के पास पैसा मांगने जाएगी, तो ड्रॉवी कहेगा भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है, भले ही पैसा मांगने आप आओ, आपके बिहाफ पे बैंक आए, आपकी दुकान का चोटू आए, या बैंक आ जाए जहाँ पर आपने डिस्काउंट करवाया है, या आपका फ्रेंड आ जाए जो एंडोर्सी है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। विन द टेनर ऑफ बिल, इन ड्यूरिंग द टेनर ऑफ बिल आप बिल की आग लगाओ उधर, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इतना पता है ड्यू डेट पे आना है, बिल देना है, पैसा लेकर जाना है, अब वो कोई भी आए कोई भी जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप ड्यूरिंग द टेनर ऑफ बिल कुछ भी करो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर ड्रॉवी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन कर नहीं रहे हो, तो ड्रॉवी के बुक्स में कोई एंट्री आएगी ही नहीं। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? ढोक लो, इतने सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक तो करो, बेशर्मो हैं। डबल डन क्या? वेरी गुड, जब तक इसमें ड्रॉवी इन्वॉल्व नहीं है तो ट्रांजेक्शन कैसे होगा उसके बुक्स में? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्लियर? टेस्ट का ड्रॉवी की गली विच वेरी गुड। भंबानी आज मैं बात करता हूँ काजल मैडम से, पता करके बताता हूँ मैं आपको। मैगी डन 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 डन, वेरी गुड। महाराष्ट्र की कृपा से, ठीक वेरी गुड चांद, आ जाओ। ये हुआ ड्यूरिंग द टेनर ऑफ बिल। अब ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल, ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट बिल की ड्यू डेट की बात अगर हम करें, ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल, ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल, केस वन, ऑनर ऑफ बिल, नो एंट्री, नो एंट्री, उसका भी नो एंट्री, उसका एंट्री आएगा ना, अगर आप बिल फाड़ दोगे तो लॉस, बिल फटा हुआ लॉस अकाउंट डेबिट, बिल फटने का लॉस अकाउंट डेबिट, बिल को आग ले लॉस अकाउंट डेबिट, बिल की लगी आग अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल तो गया ना बेटे, तो बिल तो क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, वरना वो आउटस्टैंडिंग दिखेगा। अरे एक ही सवाल कितनी बार पूछते रहे? वेरी गुड, ठीक है। ऑनर ऑफ बिल, ऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या? समय पर पे बिल का भुगतान हो चुका है, समय पर ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो गया, सिंपल है, समय पर बिल का पेमेंट हो गया। अब हमें यह देखना है कि बिल का पेमेंट हो गया है तो अब कहाँ कहाँ एंट्रीज क्या आएगी। अगर ए बिल रिटेन्ड है, बिल रिटेन्ड है, ठीक है, बिल रिटेन्ड है, तो
बैंक अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बराबर यहां तक। बराबर, अब देखो बहुत बार बच्चा सोचता है क्या, कंफ्यूज होता है, सर अभी तो बिल रिटर्न था, अभी आप डिस्काउंटेड कैसे बोल रहे हो? बेटा ये चार अलग अलग केसेस है ना, अगर बिल रिटेंड होता और फिर ऑनर होता तो एंट्री क्या आती, अगर बिल डिस्काउंटेड होता और ऑनर होता तो फिर क्या एंट्रियाँ होती, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता और ऑनर होता तो क्या एंट्री आती, बिल एंडोर्स्ड होता और ऑनर होता तो क्या एंट्री आती। शुभम साहू, ऑनर मतलब ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया? नहीं बेटे, ऑनर का मतलब होता है ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया, एक्सेप्टेंस की तो एंट्री स्टार्टिंग में आ गई ना। बराबर, अब यहां पर ड्रॉवर के बुक्स में आएगी नो एंट्री, क्यों सर? ड्रॉवर के बुक्स में क्यों नो एंट्री? ध्यान से सुन, बिल किसके पास है? बैंक के पास है, बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया है, तो बिल का पैसा मांगने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। पैसा कौन देगा? ड्रॉवी देगा। किसको? बैंक को। बैंक बिल कौन देगा? बैंक देगा। किसको? ड्रॉवी को। बात ध्यान से समझो, ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है, ये बैंक है। बिल डिस्काउंट जब करवाया हमने तो हमने इसको बिल दिया, कैश लिया, तो हमारा व्यवहार खत्म। अब यहां पर बैंक इसको क्या करेगा? इससे कैश लेगा, इसको बिल देगा ड्रॉवी को। बराबर है, ये ड्रॉवर था, ये ड्रॉवी था। तो बोलो, बराबर है। तो देखो हमारा यहां पर ड्रॉवर की अगर हम बात करें, इस ट्रांजैक्शन में ड्रॉवर का कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी संबंध नहीं है। बिल देने वाला बैंक है, पैसा देने वाला ड्रॉवी है, पैसा मिलेगा बैंक को, बिल मिलेगा ड्रॉवी को, ड्रॉवर का कोई भी संबंध यहाँ पर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी हो गया ना ये, हाँ सर थर्ड पार्टी हो गया, सी बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। अगर ये वाला बिल ऑनर हुआ तो सर देखो बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला पैसा कलेक्ट करके लेकर आएगा और आपको देगा। यहाँ पर बैंक इज एक्टिंग एज अ चोटू फॉर यू, एज एन एजेंट फॉर यू, तो आपको पैसा मिलेगा क्या? यस डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है बट द थर्ड पार्टी इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर मी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हाँ वेरी गुड इंडियन एजुकेशन, ड्रॉवर को अब इससे मतलब नहीं है। नहीं, एक बार जो ऑनर हो गया, ऑनर हो गया बेटे, एंट्री पास कर ली, रिकॉर्ड कर ली, आप आपके रिकॉर्ड के लिए उसको फाइल में मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, डी बिल एंडोर्स्ड है, एंडोर्स्ड बिल। देखो एंडोर्स्ड बिल के केस में अगेन नो एंट्री, क्योंकि इस बार ये है एंडोर्सी, ये है ड्रॉवर, ये है ड्रॉवी। बराबर है, हमने इसे बिल दे दिया, बराबर, बदले में क्या लिया? पहले कभी तो हमने कोई सामान लिया होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट था, इसीलिए हमने बिल दे दिया। अब ड्यू डेट पे एंडोर्सी देगा इसे बिल, ड्रॉवी से लेगा पैसे, हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तो ये किसके बीच का ट्रांजैक्शन हुआ? एंडोर्सी और ड्रॉवी के बीच का। एंडोर्सी से हमने किसी ज़माने में कभी कुछ खरीदा था, उसका उधार पेंडिंग था, तो इसलिए हमने कहा एक काम करो ड्रॉवी भाई साहब, मुझे पैसे देने के बजाय आप किसको दे दो? एंडोर्सी को दे दो।
बराबर है, तो एंडोर्स्ड बिल, यहाँ पे फिर से नो एंट्री क्योंकि अगेन थर्ड पार्टी हैज अराइव्ड। बोलो क्लियर यहाँ तक? तो सर यहाँ पर अब इसकी बात अगर हम करें तो ड्रॉवी के बुक्स में एक ही एंट्री आएगी, चारों सिचुएशन में एक ही एंट्री आएगी। हाँ, क्योंकि ध्यान से सुनो मेरी बात, ड्रॉवी के बुक में सिंपल एक ही एंट्री आएगी, क्या उसको बिल मिलेगा? हाँ सर, उसको बिल मिलेगा। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एज सिंपल एज दैट। सिद्धार्थ, अगर वो बैंक चार्जेस लेता है तो बैंक चार्जेस की अलग से एंट्री कर देंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म, उसकी एक सेपरेट एंट्री होगी। रिटेन में ड्रॉवी एंट्री क्यों नहीं करेगा? अरे एंट्री ड्रॉ, रिटेन के केस में ना ही ड्रॉवर एंट्री कर रहा है ना ही ड्रॉवी एंट्री कर रहा है, एंट्री क्या आएगी? बिल रिटेन है, निकाल के कबर्ड में रखा है, बस उसकी एंट्री थोड़ी कुछ होगी भाई। चारों में आएगी एंट्री, कौन सा एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट होगा? एंडोर्सी अकाउंट क्यों क्रेडिट करना है आपको यहां पर? एंडोर्सी अकाउंट कहां है क्रेडिट करना है भाई? ड्यू डेट पर सर, सर चारों केस में आएगा। हाँ, चारों केस में आएगा कैलाश। सिद्धार्थ, हम कलेक्शन में कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर भी सकते हैं हम पास, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो डन, बोलो डन। बीआर आएगा? बीआर कहाँ आएगा बेटा, बीआर का क्या संबंध है? ड्रॉवी के बुक्स में तो बिल पेएबल आएगा ना, ड्रॉवी के लिए तो वो बिल पेएबल है ना बेटे, श्यामला कोरी। किसे पैसे देने होंगे संस्कार? एंडोर्सी को लेके कंफ्यूजन चल रहा है संस्कार, ध्यान से सुनो बेटे। मैंने जेड से किसी जमाने में परचेज कर रखा था, तो जेड का ऑलरेडी मेरे बुक्स में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है बेटे, और जब मैंने उसे बिल दिया तो मैंने एंट्री क्या करी? सेड अकाउंट डेबिट, यानी कि एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो जब मैंने उसे बिल दिया ना बेटे, तभी उसका अकाउंट नील हो गया है। समझ में आया क्या संस्कार? संस्कार, आई थिंक आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा जिसको बिल पास किया है? एंडोर्सी, एंडोर्सी क्या एंट्री करेगा? एंडोर्सी देखो, अभी जैसे यहाँ पर ये मैंने वही बताया, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो जेड अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? ये एक्स की बुक्स में है, ये जेड की बुक्स में, जो एंडोर्सी है। एंडोर्सी एंट्री करेगा भाई, उसके पास बिल आ गया तो उसके लिए वो बिल के बदले में पैसा आने वाला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अभी जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जेड ने एंट्री की होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल,
बराबर है। और एक्स को बोला था कि पैसा देना, तो एक्स ने बोला पैसा नहीं है मेरे पास, किसी और का बिल है वो बिल देता हूँ। तो उसने दे दिया बिल, पैसे के बदले बिल आ गया, बिल अकाउंट डेबिट टू एक्स। देखो एक्स एक्स खत्म। चारों कंडीशन में एक एंट्री आएगी। पुरुषोत्तम गोयल बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बेटे कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया क्या आपने? बैंक क्रेडिट क्यों? रिटेंड में तो बिल किसके पास है? अरे बेटे ये बैंक, अरे कैसी बातें कर रहे हो, टू बैंक पेमेंट की एंट्री है बेटे, पेमेंट है। पैसा दोगे तो एंट्री क्या करोगे? पैसा दोगे तो एंट्री क्या करोगे? या तो कैश में देंगे तो टू कैश होगा, या तो टू बैंक होगा ना बेटे। चेक से पेमेंट करोगे तो टू बैंक ही लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे? अरे पुरुषोत्तम बीएसएफसी का मतलब है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, नॉट बैंक सेंट फॉर कलेक्शन। मुस्कान विशाल भाना, पैसे ड्रॉवी ने देने तो उसका नाम कैसे नहीं आया? वेरी गुड विशाल। विशाल आपके अकाउंट में क्या आपका खुद का नाम आएगा? विशाल अकाउंट डेबिट, विशाल की बुक्स में हम विशाल अकाउंट डेबिट और विशाल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, चलेगा क्या बेटे? ये हम लोग ड्रॉवी की बुक्स में है ना बेटे, ये ड्रॉवी की बुक्स है ना यहाँ पर, ये ड्रॉवर के बुक्स है ना, तो ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवी का नाम आता है, ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का नाम आता है। ड्रॉवर क्रेडिट क्यों होगा हितांशी बेटे, जब ड्रॉवर ऑलरेडी जीरो हो चुका हो स्टार्टिंग में? वही तो पूरी महाभारत समझाई है मैंने आपको। यहां पर देखो क्रेडिटर नील हो चुका है, ये देखो क्रेडिटर ऑलरेडी नील हो चुका है, हमने बिल के बदले में पैसा दिया है। समझ में आ रहा है क्या हितांशी? बोलो ऑनर ऑफ बिल समझ में आ गया? एंडोर्सी की बुक्स की बात कर रहे हो विशाल? अरे उसको क्या करना है, एंडोर्सी को क्या करना है? पैसा किससे आ रहा है, उससे थोड़ी कुछ लेना देना है, उसको तो बिल के बदले पैसा आ रहा है, उसको तो बिल के बदले पैसा आ रहा है ना विशाल, तो उसको क्या करना है? बिल के ऊपर किसी का भी नाम हो, ड्रॉवी का कोई भी ड्रॉवी हो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। एंडोर्सी को पैसे एक्स ने नहीं देने, एक्स ने ही तो देने हैं विशाल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जेड जेड से अगर मैं परचेस करूंगा तो मुझे जेड को तो पैसे देने हैं ना बेटे, मुझे अगर जेड को पैसे देने हैं तो जेड को पैसे देने के बजाय मैंने बिल दे दिया, जेड को पैसे देने के बजाय मैंने उसे बिल दे दिया और कुछ नहीं। तो वही बात है, देखो अगर वो पैसे देते अगर हम जेड को, तो हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, जेड एंट्री क्या करता कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, और हम एंट्री करते जेड अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर। बट अगर हम उसको कैश के बजाय चेक दे रहे तो हम बोलते यह जेड बोलता बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि उसको चेक आ गया और हमने उसे चेक दिया जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट हमने भी क्या दिया है उसको, बिल दिया है सर, तो बिल दिया है बदले में। तो यहाँ पर देखो जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, हमने बिल दिया और ये बिल रिसीवेबल सेड को बिल मिला। बोलो क्लियर?
बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलो, ये ऑनर वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको तो बोलो मुझे। क्लियर क्लियर है क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बोलो क्लियर। बराबर है सोहन, बराबर है, आपकी बात सही है। एंडोर्सी बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है? यस, क्यों नहीं, जरूर करवा सकता है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। आ जाओ आप, आ जाओ। केस टू, केस डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल, रिटेन्ड बिल है, रिटेन्ड बिल है। बिल क्या है? रिटेन्ड है और वो डिसऑनर हुआ है। क्या हुआ है? डिसऑनर। जब आपने कहा कि हम पैसा देने के लिए रेडी है बिल के बदले में, तो हमने आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, मतलब जब बिल बना तो एंट्री क्या आई? बिल टू ड्रॉवी। अब जब बिल कैंसिल हुआ तो एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जब हम बिल कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंट्री क्या आएगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल क्यों सर? क्योंकि जब हमने बिल बनाया था, जब हमने बिल बनाया था, जब हमने बिल बनाया था, तब हमने एंट्री क्या की थी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, बराबर। अब बिल कैंसिल कर रहा हूं तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बट यहां पर हमें एक चीज याद रखनी है, ये आएगा जो अमाउंट आएगा ना यहाँ पे, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। या तो एक काम करते हैं, बिल अमाउंट टू बैंक, हमें नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे नोटरी ऑफिसर को। नोटरी ऑफिसर को हमें क्या करना पड़ेगा? नोटरी पब्लिक ऑफिसर को हमें नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। उल्टी, यस वेरी गुड। एक्सेप्ट किया तो बिल टू ड्रॉवी, बिल टू ड्रॉवी। बट अगर कैंसिल कर दिया बिल, डिसऑनर कर दिया, पैसा देने से मना कर दिया, तो एंट्री होगी ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। अब देखो ड्रॉवी अकाउंट फिर से डेबिट हो गया है ना, मतलब क्या? ध्यान से सुनो, यहाँ पर, यहाँ पे अगर आपको एंट्री याद होगी, ये देखो ये एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल किया, हाँ सर। फिर हमने एक्स के ऊपर बिल ड्रॉ किया, हाँ सर। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा ना, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। अगर ऑनर होता है
तो हम एंट्री क्या करते थे, हमने एंट्री की भी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो देखो यहाँ पे बिल कैंसिल हो गया और बिल के बदले में पैसा आ गया। एट द एंड एंट्री क्या हुई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बराबर है। बट अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हुआ सर, बिल तो कैंसिल हो गया सर, क्योंकि देखो ना भाई साहब, ड्यू डेट पे बिल का पैसा आए या ना आए, ड्यू डेट पे बिल का पैसा आए या ना आए, बिल तो कैंसल्ड रहेगा बेटे, बिल अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट आ गई ना, ड्यू डेट तो खत्म हो गया, मतलब एक्सपायरी डेट आ गई। बट यहाँ पर पैसा आया क्या, नहीं आया, इसीलिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव, बिल तो कैंसिल हो गया बट ड्रॉवी से पैसा अभी भी आना बाकी है, अभी उसका अकाउंट सेटल हुआ नहीं है। तो देखेंगे अगर हम, तो पहले उसका अमाउंट डेबिट था, फिर वो क्रेडिट हुआ, अब बिल कैंसिल करने की वजह से उसका अकाउंट फिर से डेबिट होगा, उसके अकाउंट में फिर से बैलेंस दिखने लगेगा। बीए का मतलब बिल अमाउंट, बीए का मतलब होता है बिल अमाउंट, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बोला है तो क्लियर सबको। डिसऑनर होगा तो उसके अंदर डेबिट बैलेंस फिर से दिखेगा कि हाँ, दिखेगा कि अभी इससे पैसा आना बाकी, इसने बिल डिसऑनर कर दिया था तो बिल को काट दो, क्योंकि बिल कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्यू डेट आ चुकी है, बिल एक्सपायर हो चुका है, तो ड्यू डेट आएगा तो बिल कैंसिल ही होगा। क्लियर? डन। बिल रिटेंड था, एंट्री कर दी हमने, डिसऑनर की एंट्री आ गई रिटेंड बिल के केस में, ठीक है। अगला बी, बिल डिस्काउंटेड था, बिल डिस्काउंटेड था, ठीक है। अब देखो बिल किसके पास था, बैंक के पास था। आप अब यहां पे नो एंट्री बोलेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, लॉजिक लगाओ बेटे। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास ऋषभ का बिल आया और वो मैंने इंडोर्स कर दिया था अपने अनमोल दीक्षित को, जितना मुझे याद है अनमोल दीक्षित ही था। मुझे ऋषभ से बिल आया, मैंने उसे इंडोर्स कर दिया था अनमोल दीक्षित को। अब अगर मान लो ऋषभ ने अनमोल को पैसा देने से मना कर दिया, अब अनमोल जाके ऋषभ से तो झगड़ा नहीं करेगा कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि वो ऋषभ को पहचानता ही नहीं है। अनमोल का ट्रांजैक्शन तो मेरे साथ हुआ है, अनमोल मेरे पास आएगा, बोलेगा सर आपने तो बोला ऋषभ पैसा देगा, ऋषभ ने नहीं दिया, तो अब मेरा पैसा आप दो, आपने मेरा पैसा मुझे देना है। तो अनमोल क्या करेगा, वो मुझसे पैसे मांगेगा, मुझसे पैसे लेगा। वैसे ही बैंक, बैंक बोलेगी भाई साहब ड्रॉवी ने आपके पैसा देना चाहिए था, बट आपके ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए अब हम आपके अकाउंट से पैसा काट कर ले लेंगे, हम आपके अकाउंट से यानी कि ड्रॉवर के अकाउंट से पैसे कटेंगे। मतलब यहाँ पर पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉवर। बट हमें ये पैसा किससे वसूल करना है, एट द एंड हमें ये पैसा वसूल करना है ड्रॉवी से, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी से पैसा आना बाकी है। टू, हमने बैंक की पेमेंट कर दी, अब यहाँ पर समझो हमने बिल अमाउंट की भी पेमेंट की है, प्लस नोटिंग चार्जेस की भी पेमेंट की है, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों का पेमेंट कर दिया है हमने। क्लियर यहाँ तक? तो अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ नोटिंग चार्जेस दिख रहे हैं, वहाँ वहाँ मैं वो ड्रॉवी के मत्थे मार रहा हूँ, क्योंकि नोटिंग चार्जेस ये ड्रॉवर का खर्चा है ही नहीं, नोटिंग चार्जेस ये ड्रॉवर का खर्चा है ही नहीं। सी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, अगेन पैसा किससे वसूल करना है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बराबर, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट नोटिंग चार्जेस आपने पे कर दिया बैंक को अलग से। एंडोस्ड बिल था जो डिसऑनर हुआ है, वसूल किससे करना है, ड्रॉवी से। पैसे किसको देने हैं, एंडोर्सी को।
अब एंडोर्सी को हमें बिल अमाउंट के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देना है। बोलो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? है तो अगर आप चारों केस में देखेंगे तो ड्रॉवी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो हमने ड्रॉवी अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसके अकाउंट में बैलेंस फिर से खड़ा कर दिया कि ड्रॉवी से अभी पैसा अभी भी आना बाकी है, रिसीवेबल है, इसीलिए हमने चारों केस में ड्रॉवी को डेबिट कर दिया, अगर आप क्लियरली देख सकते हो तो। ड्रॉवी के बुक्स में अब जब डिसऑनर की एंट्री आएगी तो देखो ध्यान से, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल तो कैंसिल हो गया। हाँ ऋषभ, ड्यू डेट पे मैंने पैसे नहीं दिए ना, ड्यू डेट पे हुआ यूँ, ऋषभ ध्यान से सुनो बेटे, ड्यू डेट पे हुआ यूँ कि बैंक या तो अनमोल दोनों आपसे पैसा मांगने आए हैं, दोनों सिचुएशन में ऐसे मान के चलते कि ये लोग आपके पास पैसा मांगने आए, आपने पैसा देने से मना कर दिया, तो ड्यू डेट पे मुझे उन्हें पैसे पे करने होंगे। और आप अब कहते हो कि ड्यू डेट पे आप मुझसे पैसे लेंगे, अगर मैं तुम्हारे पास पैसे लेने आऊँ, अगर आप देते हो तो ठीक है, बट अगर आपको सच में पैसे देने ही होते तो आप उन्हीं को पेमेंट कर देते ना, डिसऑनर क्यों करते? क्योंकि आपने देखा आपको कुछ लेना देना नहीं है कि बिल लेकर कौन आया है, आपका मतलब इतना ही है कि बिल आया है, बिल ले लो और पैसे दे दो, खत्म। तो आपने अगर ड्यू डेट पे पेमेंट करना ही था तो उन्हीं को कर देते ना पेमेंट, प्रॉब्लम क्या थी? तो ऑनर ही हो जाता, दिक्कत नहीं थी कोई भी। यहाँ पर आएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट और क्योंकि नोटिंग चार्जेस जो है, अब वो खर्चा किसका है? ड्रॉवी का। तो आपका बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस, और अभी हमें ड्रॉवर को बिल अमाउंट के साथ साथ नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देना है। अरे ढोकलो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, 25 बच्चे अभी भी ऐसे जो लेक्चर देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए, लाइक करो जल्दी। चलो बोलो, यहाँ तक की सारी एंट्रीज क्लियर है क्या? यहाँ तक की सारी एंट्रीज क्लियर है क्या? यो एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो पूछो मुझे, आई विल बी बैक इन अ मिनट।
हमने बुक बैंक से डिस्काउंट करवाया 27,000 में, 30,000 का बिल। हाँ तो बैंक हमसे पूरे 30,000 काटेगा बेटा, बैंक हमसे पूरे 30,000 काटेगा, बैंक पूरे 30,000 काटेगा बेटे। चलो डन, आ जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि जर्नलिस्ट खत्म हुई है तो नहीं, स्पेशल केसेस अभी बाकी है। स्पेशल केसेस ऑन बिल। विशाल भाना, वाह सर वाह बेटे वाह। अरे पूरा तुमने पैसा वापरा, निचोड़ के वापरा है तो 3,000 रुपये ब्याज का भरना नहीं पड़ेगा क्या तुमको विशाल? और स्पेशल केसेस ऑन बिल सबसे पहले इसके अंदर रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल रिन्यू करना है, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा ध्यान से समझो। थ्री स्टेजेस लिखे मैंने यहाँ पे, ठीक है, याद रखने के हिसाब से है। रिन्यूअल की बात करेंगे तो सबसे पहला काम होगा डिसऑनर। डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर यानी के, एक मिनट, डिसऑनर के बजाय में बोल दो कैंसलेशन। कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल लिखो, यहाँ पर मैं कहूँगा सेम एज डिसऑनर, सेम एज डिसऑनर, बट एक्सक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, एक्सक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, एक्सक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, एक्सक्लूडिंग व्हाट? नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस को एक्सक्लूड करना है हमें, क्लियर? नोटिंग चार्जेस को हमें एक्सक्लूड करना है, ध्यान से सुनो। दूसरा, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान से सुन। ऋषभ मेरे पास आता है, कहता है कि सर ये जो 30 लाख रुपए है ना, ये अभी मैं फिलहाल दे नहीं पाऊंगा सर, मेरे पास अभी इतने पैसे जमा हुए नहीं है, अरेंज नहीं हुए हैं, तो आप मुझे क्या काम कीजिए, और 2 महीने का आगे का पीरियड एक्सटेंड करके दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो पहले बिल कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस बार हम जब बिल कैंसिल करेंगे तो म्यूचुअली कैंसिल करेंगे। देखो इस बार ऋषभ जो है, यानी कि जो ड्रॉवी है, वो सामने से चलकर आता है और कहता है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो फिर बिना मतलब मुझे लॉयर के पास और नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने से ही मैं बिल कैंसिल कर दूंगा, कैंसिल करके एक नया बिल बनाऊंगा। अब ध्यान से समझो, 30 लाख रुपीज़ देने थे मुझे, बट ऋषभ आता है मेरे पास, कहता है कि सर ये रहे मेरे पास 10 लाख है, ये 10 लाख रखो और नया बिल बना दो, आप 20 लाख का एक नया बिल बना दो, 2 महीने का पीरियड और मुझे चाहिए एक्सटेंड करके। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने कहा भाई जब अब तुमने एक्सटेंडेड पीरियड लिया है, पीरियड एक्सटेंड जो किया है ना 20 लाख के लिए, तो उसके ऊपर मैं लगाऊंगा आपको अब इंटरेस्ट। पहले ऑलरेडी 3 महीने का मैं उधार दे चुका हूँ, अब और 2 महीने उधार मांग रहे हो, तो भाई फ्री में तो पैसे आते नहीं हैं, मुझे भी तो पैसों की ज़रूरत है। अब तुम पैसा लौटाओगे नहीं तो मुझे कहीं और से अरेंज करने पड़ेंगे, लोन लेना पड़ेगा, तो मैं आपसे ब्याज लूंगा, मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट की बात करें तो ड्रॉवर के लिए वो क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, तो इन्होंने एंट्री कर दी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट, और ड्रॉवर के लिए वो एक्सपेंस क्योंकि उसे ब्याज भरना पड़ रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट उसका खर्चा हुआ, टू ड्रॉवर को उसे पे करना है। अमाउंट को लेके गड़बड़ मत करो सोन, एग्जाम्पल में जब हम जाएंगे, क्वेश्चंस जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यू बिल विथ पार्ट पेमेंट, न्यू बिल विथ पार्ट पेमेंट, ध्यान से सुनेंगे। अब हम नया बिल बना रहे हैं, तो देखो हमें कुछ पैसा बिल के थ्रू आ रहा है, मतलब मान लो इसने कहा कि भाई 20 लाख पे 50 हज़ार का ब्याज बनेगा। बोला हाँ ठीक है, 50 हज़ार का ब्याज बनेगा। तो बोला अब एक काम करो, 10 लाख रुपए और ब्याज का पैसा तुम अभी मुझे दे दो। बोले ठीक है, अभी दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और बाकी बचा 20 लाख का नया बिल एक्सेप्ट करके साइन करके दे दो। तो उसने बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल भी आ गया, बैलेंस अमाउंट के लिए बिल आ गया, और अभी जो कुछ पार्ट पेमेंट था वो भी आ गया, बराबर है। टोटल अब उससे पैसे कितने आने थे, 20 लाख 50 हज़ार, बराबर है। टोटल 30 लाख 50 आने हैं भाई साहब, क्यों? क्योंकि आप 2 महीने का ब्याज लगाने वाले हो। तो उसने कहा कि 10 लाख 50 हज़ार मैं अभी दूंगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी बचे 20 लाख का नया बिल बना देना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू ड्रॉवी, बराबर है। और फिर ड्रॉवी एंट्री क्या करेगा सर? ड्रॉवी बोलेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर को क्या क्या देना है? बिल का पैसा देना है, नोटिंग चार्जेस का पैसा देना है अगर होगा तो, नहीं तो बिल का पैसा और इंटरेस्ट का पैसा देना है ना। बिल ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, टू जितना पैसा पे किया और जितना बिल एक्सेप्ट किया, जितना एक्सेप्ट किया वो आ जाएगा बिल पेएबल अकाउंट, एंड जितना पैसा पे कर दिया हमने वो आ जाएगा टू बैंक। क्लियर है यहाँ तक? ये तीनों सिचुएशन, तीन स्टेजेस है, कैंसिलेशन इंटरेस्ट एंड रिन्यूअल, कैंसिलेशन इंटरेस्ट एंड न्यू बिल, कैंसिलेशन इंटरेस्ट एंड न्यू बिल, कैंसिलेशन इंटरेस्ट एंड न्यू बिल, तीन स्टेजेस याद रहेंगे। बट इस कैंसिलेशन, कैंसिलेशन इज सेम एज डिसऑनर एक्सक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, सेम एज डिसऑनर एक्सक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। इंटरेस्ट वाली एंट्री समझ नहीं आई, क्यों नहीं समझ में आई बेटे? ड्रॉवी से पैसा वसूल करना है ब्याज का, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट मेरी इनकम है तो टू इंटरेस्ट। ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ड्रॉवर को पैसा ब्याज का देना है तो टू ड्रॉवर, और ब्याज मेरे लिए खर्चा है तो ब्याज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। सिंपल भंबानी, समझ में आया क्या बेटे? बोलो समझ में आ गया रिन्यूअल? ड्रॉवी टर्न्ड इनसॉल्वेंट, टू स्टेजेस, ड्रॉवी टर्न्ड इनसॉल्वेंट, टू स्टेजेस। पेबल में 20 लाख, बैंक में 10 लाख 50 हज़ार, परफेक्ट, बम साउ। वेरी गुड। नाउ ड्रॉवी टर्न्ड इनसॉल्वेंट, अब ड्रॉवी इनसॉल्वेंट हुआ है तो दो स्टेजेस कहा है ना मैंने, सबसे पहले अब देखो वो तो इनसॉल्वेंट हो गया तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा, वो इनसॉल्वेंट हुआ है तो बिल कैंसिल करना पड़ेगा, इनसॉल्वेंट हुआ है सर बिल कैंसिल करना पड़ेगा। तो आज वो बिल कैंसिल करते हैं,
सेम एज डिसऑनर यहां पर भी। सेम एज डिसऑनर खत्म। राइट ऑफ ऑफ बैलेंस। अब देखो जब हमने कैंसिल कर दिया, एक काम करता हूँ यहाँ पे एंट्री कर ही देता हूँ। जब हमने कैंसिल किया एंट्री तो हमने यहाँ पे कहा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बराबर है। और यहाँ पर हमने कह दिया बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, कैंसिल हो गया ना, इंसॉल्वेंट हो गया भाई। नोटिंग चार्जेस अब क्या क्या नोटिंग चार्जेस करेंगे, इंसॉल्वेंट हो गया है, केस क्या फाइल करेंगे उसके ऊपर, समझ में आया। ऑलरेडी उसके ऊपर केस हुई थी और वो इंसॉल्वेंट हो चुका है डिक्लेयर, तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस नहीं आएंगे। अगेन अब यहाँ पे राइट ऑफ करना है। अगर मान लो उसका प्राइवेट एस्टेट जो है ना कोई अजाइन ऑफ अजाइन किया, अजाइन ही है, अपॉइंट किया गया है कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट बोलेगा हाँ एक्सक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस होगा, ये रोते रोते बनेगी एंट्री, ठीक है। तो ऑफिशियल अजाइनी अपॉइंट किया जाएगा। अब अजाइनी क्या करेगा, सारे उसके एसेट्स अपने हाथ में ले लेगा और एसेट्स बेचना चालू करेगा। एसेट्स बेचकर जितने पैसे आएंगे वैसे वैसे वो लाइबिलिटी सेटल करेगा। तो ऐसे मान के चलते कि थोड़ा बहुत पैसा, कुछ अमाउंट अपना रिकवर हो सकता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ अमाउंट रिकवर होगा तो एंट्री देखो क्या आएगी। जो अमाउंट आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया डूब गया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, जिससे अभी कोई भी पैसा नहीं आएगा, बराबर है। ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी बोलेगा भाई साहब ड्रॉवर को पैसा देना था, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, जितना पैसा उसे देना था वो हो गया निल, उसके बदले में हमने उसे कुछ पैसा दे दिया, मेरे प्राइवेट एस्टेट से कुछ तो पैसा गया टू बैंक, और जितना पैसा कम पड़ा वो है टू डेफिशिएंसी, खत्म। फर्नीचर गुड्स वाला गौरव रावत, 10 मिनट और क्लास चलेगी, 10 से 15 मिनट और क्लास चलेगी, बोलो यहाँ तक डन, एवरीबॉडी डन टिल हियर, चल केस 3, केस 3 है रिटायरमेंट ऑफ बिल, एक ही स्टेज है यहां पर रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब क्या, ऑनर ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट, हाँ। और तब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद नहीं रहे बेटे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं उसके, लॉस नहीं हुआ उसका, एक डेफिशिएंसी लॉस नहीं बोल सकते, डेफिशिएंसी अलग डिफरेंट एंड लॉस इज डिफरेंट बेटे। बैड डेट्स को हम लॉस बोलेंगे, डेफिशिएंसी को लॉस थोड़ी ना बोलेंगे। रिटायरमेंट ऑफ बिल, अब देखो रिटायरमेंट का मतलब मैंने क्या बोला, ऑनर ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट, मतलब आप पेमेंट जल्दी कर रहे हो तो भाई सीधी बात है रिन्यूअल के समय, सर याद करो रिन्यूअल के समय आपने कहा था कि पेमेंट लेट दोगे तो ब्याज लगेगा, अब पेमेंट जल्दी दे रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट दो, समझ में आया, तो आ जाओ उससे डिस्काउंट लेंगे। तो डिस्काउंट अगर हम लेते हैं तो हमें पैसा आने वाला है, हाँ सर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पर थोड़ा सा कम आएगा,
तो उसको हम कहेंगे रीबेट अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल क्योंकि रीबेट हमारे लिए हुआ खर्चा। यहां पर आ जाओ, बिल का पेमेंट करने वाले हो, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और जितना डिस्काउंट मिला टू रीबेट। अगर आप देखेंगे तो रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री डिट्टो सेम है ऑनर ऑफ बिल की तरह, बस इसके अंदर रिबेट का एक एडिशनल पॉइंट आया है, दैट्स इट, बाकी पूरा सेम है। यहाँ पर रिबेट बोलेंगे, डिस्काउंट लगेगा बट यहाँ पर रिबेट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो आखिरी 5 मिनट है, कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3 चीज़ें और बाकी है, 3 कैलकुलेटिव कंसेप्ट है, वो समझ में आ जाएगा तो टॉपिक खत्म है, कल से हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर पाएंगे। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। रिबेट मतलब डिस्काउंट बेटे, मैगी रिबेट का मतलब भी डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट की अगर हम बात करेंगे तो देखो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू, यहां पर लिखूंगा मैं अन एक्सपायर्ड पीरियड अपॉन आइदर 12 और 365। मंथ्स में होगा तो 12, डेज में होगा तो 365, खत्म। क्लियर? रिन्यूअल के केस में जो आपका इंटरेस्ट आता है उसका कैलकुलेशन, उसका कैलकुलेशन रहेगा यहाँ पर। ध्यान से देखो बेटे, ये बैलेंस अमाउंट है, जितना उसने पार्ट पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है। क्लियर? बैलेंस अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, यहाँ पर मैं कहूँगा पीरियड ऑफ न्यू बिल अपॉन 12 और 365। हाँ बेटे, ग्रेस डेज भी ऐड होंगे। अरे ऐसे नाराज नहीं होते यार। ओके, आज से मैगी नहीं बोलूंगा, मैकपी बोलूंगा। ओके मैकपी, यस कम ऑन। थर्ड, रिटायरमेंट के केस में जो आता है रिबेट, अगेन बिल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड, यानी कि जितनी जल्दी आप पेमेंट कर रहे हो, 3 महीने का बिल था, विद इन 1 मंथ आप पेमेंट कर रहे हो तो 2 महीना अनएक्सपायर्ड है, उतना जल्दी आप पेमेंट कर रहे हो। और 365, खत्म। लूसीफेरो यानी अरित्रा, अगर अगर वो रिन्यूअल होने के बाद हम उसको बिल अमाउंट में इंटरेस्ट के साथ अमाउंट चार्ज करते हैं और पेमेंट जल्दी करता है तो उतने अमाउंट पे उसे हम रिबेट दे देंगे, खत्म।
अब वहाँ पे तो पुराने बिल का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, अब जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे चलेगा आगे वो नए बिल के बेस पे चलेगा, तो नए बिल के हिसाब से ड्यू डेट क्या है देखा जाएगा, और नए बिल के हिसाब से पेमेंट कब आ रही है वो देखा जाएगा। क्लियर? एवरीबडी क्लियर? वेरी गुड। ओके, आज बहुत पढ़ लिया हमने, मुझे पता है आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया हमने। कोई नहीं, मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्लास, चिंता मत करो। अब कोई भी एंट्री जर्नलिटी पेंडिंग नहीं है ना ही कोई। चिचड़ी बन जाएगी, चिचड़ी बनने की जरूरत नहीं है, इंजन बन लो। आज थोड़ा डोज ज्यादा हो गया, चलो अच्छी बात है। अरे सोहन, अरे क्या बोले यार, कन थोड़ा सा शेड्यूल पैक चल रहा है, आज करता हूँ, रुक जाना। यस, बाय 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 बाय। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना है, एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल का लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये जितनी जनरल एंट्रीज है आपको होमवर्क रूप में फिर से लिखनी है, ये आपका पहला होमवर्क रहेगा। दूसरा, लिखने के बाद आपको फिर से एक बार उसको पढ़ के रिवाइज करना है। तीसरा, कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये सारी एंट्रीज लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा। अगर वो ट्रिक बैठ गई तो पूरा चैप्टर खत्म, और कल हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। यस विशाल भाना, ओके। रिबेट और डिस्काउंट, ये आपके लिए होमवर्क है, आप पता कर लो रिबेट और डिस्काउंट में क्या है, कल मैं बताऊंगा आपको। देख लो बस, लर्न करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, यस, ओके ओके ओके। बाय 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 बाय। ओके फाइन, सो विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड कमेंट ऑन द वीडियो आफ्टर द लेक्चर। See you guys tomorrow. Bye-bye.